सनराइज देखने के लिए हम सुबह 4 बजे उठ के बैठे। ये बर्फ है, एंजॉय कर रहा है, इमोशनल मोमेंट नहीं बनाना। अंकल जी मुझे एक सुबह स्पेशल चीज दिखा रहे हैं। और ये तो सींग लग रहा है मुझे। सींग किसका? याक का? बकरे का सींग है। बकरे का? क्या भाटा लगा रखा है क्या? मुझे एक बात की टेंशन हो रही कि सीन बहुत ज्यादा टाइट है। कुल्फी जम रही है। एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग लेक। भाई इतने ठंड में क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। आज यहाँ का सनराइज देखने के लिए हम सुबह 4 बजे उठ के बैठे। सीरियसली मैन, एंड 4:30 बजे हम बाहर आ गए, तब से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। एंड अभी टाइम क्या हो रहा है हारिश भाई? इट्स अराउंड 5:47। और भाई साहब कल जब हम यहाँ पे आए थे मौसम थोड़ा गंदा हो रहा था, शाम तक होते होते बहुत प्यारा मौसम हो गया। हम वहाँ पे गए, हमने एंजॉय करा, एंड कल हमें स्नोफॉल भी मिली थी, मतलब थोड़ी थोड़ी सी। तो चलो इसी बात पे आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो कुणाल, वेलकम टू ब्लॉग चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये बर्फ है। तो यार पैंगोंग लेक के किनारे बैठ के मुझे आप लोगों से वैसे भी अकेले में कुछ बात करनी थी। इस ट्रिप पे मैं मेरे बर्थडे के दिन निकला था, तो वैसे ही बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। एंड आज हमारा 12th डे इस ट्रिप का, मतलब इस ट्रिप पे हमने कितने सारे पासेस कवर करे। जोजीला, नामिकला, फोटूला, खारदुंगला, बहुत सारे दोस्त बनाए इस ट्रिप पे, बहुत कुछ सीखा। एंड इस पैंगोंग लेक के किनारे बैठ के बहुत कुछ महसूस भी करा। आई नो लहरों की आवाज़ ज़्यादा तेज होगी, थोड़ा सा काम चला गया। लगा नहीं था कि इधर तक इतने सेफली पहुंच पाएंगे। मन में भी डर था भाई, क्या होगा क्या नहीं, कैसे होगा। बट हाँ, आप लोगों के प्यार से, भगवान के आशीर्वाद से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से भाई ईजीली बहुत अच्छे से यहाँ पास हुआ। एंड इस व्यू को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। फाइनली आज का हमारा प्लान ये है कि अभी यहाँ से जाएंगे अगेन होम स्टे हमारे, तो वहाँ पे फटाफट से ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे टुवर्ड्स अगेन ले। आज का दिन और कल का दिन ले में बिताएंगे, उसके बाद वापस अपने स्टार्ट करेंगे जर्नी टुवर्ड्स कारू, जिस्पा एंड ऑल। मनाली होते हुए भाई इस ट्रिप को मतलब अच्छे से एंड करेंगे, बट अभी भी बहुत दिन बाकी है। इंजॉय कर रहा है, इमोशनल मोमेंट नहीं बनाना यार। बट हाँ, थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई वापस हम जा रहे हैं अपने होमस्टे की तरफ, और आज चांगलांगला क्रॉस करेंगे। एंड आई डोंट नो मौसम कैसा होगा, आई होप मौसम अच्छा हो, क्योंकि मैंने हालत देखी बहुत बुरी हो जाती है। मैं वैसी राइड नहीं करना चाहता, इतनी हेक्टिक राइड नहीं करना चाहता। चाहता हूँ आराम आराम से राइड करूँ, गिरना पड़ना नहीं चाहता। जैसे आया हूँ वैसे ही पहुँचूँ। तो यार अंकल जी मुझे एक सुबह स्पेशल चीज़ दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटी सी चक्की है सर, इसके अंदर पीसते क्या है ये? क्या गेहूं? ये गेहूं है सर, गेहूं। अच्छा गेहूं, पानी से चलता है, अभी पानी कम है। अच्छा नहीं चलता है, बाकी पानी से चलता है ये। पानी से चलता तो पानी कहाँ से आएगा, कैसे? ये आगे से आना है। अच्छा ओके, यहाँ से जाता है सब। अच्छा
इसका पंखा है नीचे, पंखा बना। अच्छा अच्छा, तो वो नीचे से इसको घुमाता है, नीचे से घुमाता है। तो यार ये जो क्या मस्त चक्की बना रखी है बिल्कुल नेचुरल ढंग से, जी सर। पानी का रिवर का फ्लो वहां से आएगा, नीचे से इसको घुमाएगा और गेहूं जब इधर गिरेगा वो पीस जाएगा, धीरे-धीरे से आता है। अच्छा अच्छा, और ये तो सींग लग रहा है मुझे, किसका? याक का? बकरे का सींग है। बकरे का जी, ये हिलाने से फिर ये गिरता है। अच्छा, यहाँ से गिरता है। अच्छा ओके, विंटर में हम लोग सितंबर लास्ट अक्टूबर में हमने स्टॉक करता है। अच्छा, स्टॉक करते हो पहले? विंटर में पानी जम जाता है, ओके, पानी नहीं आता है, ओके, स्टॉक जम जाता है। दूसरे के पास भी नहीं है, जिसके पास नहीं है यहाँ लेके पिछड़ा। अच्छा पेशवा का? अच्छा अच्छा अच्छा, तो यार ये देखो ये होम लगी भाई, तो ये होम से इनका है, ये कैंप इनका है, योकमा नाम से है। तो भाई फाइनली अब मोहिनी की हालत देखेंगे, आपने रस्ते की हालत देखी ली, कैसे ठंड पड़ रही थी, बर्फ जमा हुआ था। आई डोंट नो इसका क्या हाल हुआ होगा, मीटर चालू हुआ? मीटर तो चालू हुआ, फटी थी एक बार को। मेरी तो होगी नहीं फिर, दूसरी बार हो जाएगी, हो जाएगी, इसमें विश्वास है। तीसरी चौथी, रुको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, इसको थोड़ी देर रखते हैं, एक बार हानिश की देखते हैं। यार आपकी इतनी जाम होगी तो मेरी तो फिर पूरी होनी है भाई, होनी है। रेस मत दे, रेस मत दे। दूसरी, तीसरी, रुक जा, लास्ट बार कर, उसके बाद मत करना, थोड़ी देर रुक जाना। पांचवी बार में रुक जा, रुक जा, सुबह सुबह रेव मत कर, उसको गर्म होने दे पहले। तो फाइनली अपनी मोहिनी भी छठे बार में स्टार्ट हो गई, एंड कैमरा ऑन नहीं था इसका, तब चालू हुई। फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, वहाँ पे हमारी बाइक पार्क है, मैंने अपना लगेज बांध लिया है और थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे है। और भाई साहब सच बताओ ना, तो इस होम स्टे में ना बिल्कुल घर जैसी फीलिंग थी, एंड मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, पहली बार मेरा होम स्टे में था, मुझे बहुत खुशी हुई इधर रह के, एंड सच्ची में 10-11 दिन बाद ना एकदम घर जैसी फीलिंग आई थी। अगेन थैंक यू सो मच दीदी। जब आप पैंगोंग आएंगे तो पहले लुकुंग आएगा, फिर स्पा में आएगा, फिर मन आएगा। तो ये जो होम स्टे है ये मन में है, मन के अंदर, योकमा लद्दाख इको होम स्टे, योकमा लद्दाख इको होम स्टे। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ दूंगा, तो फटाफट से जाके चेकआउट करना। और रूम के अंदर से सीधा जो व्यू आता है वो आता है पैंगोंग लेक का, अमेजिंग व्यू, अमेजिंग होम स्टे एंड अमेजिंग फूड। तो अब निकलने की तैयारी है यहाँ से हमारी टूवर्ड्स चांगला, अब टाइम आ रहा है ना धीरे धीरे घर जाने का, तो ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ दिन और, कुछ दिन और, बट अभी भी टाइम है। ओके, ब्लॉग्स आएंगे तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो भाई फाइनली अब यहाँ से निकलेंगे, सोचा था कि 8:30-9 बज जाएंगे, बट बहुत लेट हो गए, एंड सुबह सुबह बहुत अच्छा खासा काम करवाया यार, वो ट्रैवलर दिख रही है हमसे धक्का लगवा गया। अब यहाँ से निकलते, कह रहे स्पामिक के आगे एक शूटिंग पॉइंट आता है जहाँ पे 3-8 के कुछ शॉट्स रिकॉर्ड हुए थे, ट्राई करेंगे फटाफट से वहाँ जाएंगे, 5-10 मिनट वहाँ इंजॉय करेंगे, देन वहाँ से निकल के चांगला क्रॉस करके आज अगेन पहुँचेंगे ले, ठीक है ना? ओके झूले, ओके 1-2 ये मोशन बनाना पड़ेगा इसको आगे आने, तो एक बार बस 1-2 शाबाश। अरे क्या भाटा लगा रखा है क्या, नहीं जाएगी ये भाई, वहाँ से इसको हम यहाँ तक लेकर आए वही बहुत बड़ी बात है सच्ची में भाई, इतनी जल्दी सांसें फूल जाती हैं ना यहाँ पे, यू डोंट इमेजिन। 1-2 गिरना गिरना जाए, हे भगवान आपका आशीर्वाद रहे, जैसा इस ट्रिप को आपने निकाला है अभी तक वैसे ही आगे साथ रहना, अच्छे से हमारी ये ट्रिप पूरी हो। हाँ बाय, टेक केयर। सभी यहाँ से अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बस पैंगोंग लेक ही देखने को है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो, बट एक दिन का स्टे रखिए, एंड अगर आपको अच्छे से इधर टाइम स्पेंड करना है, आप इसे स्पेशल वन के साथ आ रहे हो और आपको अच्छे से यहाँ पे टाइम बिताना है शांति से, तो आप वो चीज कर सकते हो। ओके, एंड आप अकेले हो, बाइक राइड कर रहे हो, तो एक दिन से ज्यादा की यहाँ पे नीड नहीं है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिन रहना चाहते हो। कितना सुंदर दिख रहा है ना यार,
यार आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो पैंगोंग लेक है ना इंडिया में ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर कवर करता है भाई, 45 किलोमीटर इसकी लेंथ है एंड उसके बाद भी 75% जो पैंगोंग लेक है वो चाइना में है और यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर चाइना है एंड सीरियसली बहुत अमेजिंग है। एंड आज मुझे मौसम थोड़ा प्यारा लग रहा है, धूप निकल रखी है अभी तक। अब आई डोंट नो कि ऐसा मौसम कब तक रहता है बट मैं प्रे करूंगा प्लीज ऐसा मौसम ही रहे। मुझे एक बात की टेंशन हो रही है कि चीन बहुत ज्यादा टाइट है, आई डोंट नो क्या होने वाला है, अगर चीन के साथ कुछ हुआ तो लंका तो लगने वाली है, पक्के से है। ओ भाई सीधा काला धुआं मुंह पे छोड़ा। प्लीज अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ये ले सीरीज अच्छी लग रही है तो फटाफट से आइयो माँ एक लाइक शेयर कमेंट कर दो यार, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इस काम को करने में मुझे भी बहुत मजा आता है और ऐसे रास्ते में पता है सबसे ज्यादा पेन होता है हमारे पाम एरिया पे, इतना दर्द होने लग जाता है ना क्या बताऊँ, क्योंकि सारा प्रेशर हमारे पाम एरिया पे रहता है। फाइनली शूटिंग पॉइंट आ चुके, कई लोग यहाँ पे फोटोज खिंचवा रहे हैं एंड वो थ्री इडियट्स वाली वो सीन बताया था ना मैंने, वो किसिंग वाला, वो यही पे शूट हुआ था, तो उसी के स्कूटर से आप देख सकते हो। थ्री इडियट्स की ये जो मेन प्रॉप थे आप ये देख सकते हो एंड सभी इंजॉय कर रहे हैं, बट हम 10-15 मिनट के लिए आए, फोटो शोटो खिंचाएंगे निकल लेंगे क्योंकि हमारा लगेज वहाँ बनता है। हमने अभी पैंगोंग लेक के पास में कुछ पिक्चर्स क्लिक करी है जो कि आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रही है @ramkunalroy, अगर आपने फॉलो नहीं करा तो फटाफट से जाके फॉलो कर लीजिए क्योंकि यूट्यूब से पहले सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे। तो अभी हम निकल रहे टूवर्ड्स चांगला, आज हम अपने इस ट्रिप पे हमारा 5वां पास कवर करने वाले, 5वां हाई पास। पहले हमने कवर करा था जोजिला, दूसरा करा था नामिकला, तीसरा करा था फोटुला, चौथा करा था खारदुंगला। चक्कर आ रहे भाई, मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मेरा पैर इधर उधर जा रहा है और घूम रहा है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, इजी